Good morning, students. Today again we are doing ENB revision for FA3. ENB revision for FA3. First line, choose the right option. C H double O S E choose. T H E the R I G S T right. O P T I O N option. Choose the right option. First one. In the corner you have to write class lock and date 3/2/2021. This you have to write in single line notebook, which is rough notebook. Okay. First, number one, a tiger, T-I-G-E-R, tiger is a blank an animal. So in this the right option will be W-I-L-D-Y, P-E-T, pet, which we have to tick right. The tiger is a wild animal because it lives in forest. टाइगर हमारे साथ नहीं रहता, वो जंगल में रहता है, इसलिए उसको वाइल्ड एनिमल कहा गया है. तो यहाँ पे आपको राइट टिक करना है. डब्ल्यू आई एल डी वाई पेट एनिमल्स होते हैं, वो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, पर वाइल्ड एनिमल होते हैं वो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. सो पुट अ राइट टिक नियर वाइल्ड एनिमल. नंबर टू, डब्ल्यू एच आई सी एच विच ए एन आई एम ए एल एनिमल इज अ L-A-N-D, land, A-N-I-M-A-L, land animal. Which animal is a land animal? Two options are given, fish or horse. Yani, कौन सा animal है जो land पे, जमीन पे रहता है? Fish, किस तो हमेशा water में रहती है, F-I-S, fish, that lives in water. Horse lives in land. So, we have to put the right thing here, horse, H-O-R-S-E, horse. W-H-A-L-E, whale. IS is a, then blank is given, A-N-I-M-A-L animal. Whale is a dash animal. So it is a water animal, a land animal. It is a water animal. Whale बहुत बड़ी fish होती है. सबसे बड़ी fish कौन सी है? तो वो whale है. तो वो whale है, वो water animal. वो हमेशा water में ही रहती है. बड़ी बड़ी sea में whale बड़ी बड़ी होती है. बहुत सबसे बड़ी fish होती है, वो है whale. So वो water में ही रहती है. वाटर एनिमल कहा गया है, W A T E R, वाटर, एंड पुट द राइट थिंग नियर वाटर. डैश इज द लार्जेस्ट, L A R G E S T, लार्जेस्ट लैंड, L A N D, लैंड एनिमल, E N I M A L, एनिमल. सो लैंड एनिमल में सबसे बड़ा, लार्जेस्ट यानी बहुत ही बड़ा, वो कौन सा है? जीराफ? नो, जीराफ इज द टॉलेस्ट, उसकी हाइट बड़ी है पर वो लार्जेस्ट नहीं है. लार्जेस्ट एनिमल है एलिफेंट. एलिफेंट बहुत ही ह्यूज, सबसे बड़ा एनिमल है वो एलिफेंट है, और जीराफ है वो सबसे टॉलेस्ट, क्योंकि एनिमल्स में सबसे लंबा लंबी हाइट जीराफ की, उसका नेक बहुत ही बड़ा है और हाइट में भी बड़ा है, इसलिए लार्जेस्ट लैंड एनिमल है एलिफेंट. एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल. अ काउ, सी ओ डब्ल्यू, काउ लिव्स इन अ, और काउ लिव्स इन अ, काउ कहाँ पे रहती है? डेन. नो, डेन में कौन रहता है? गुफा में लायन, डेन मतलब गुफा, उसमें लायन रहता है. एंड सेड, एस ए टी ई डी, शेड, काउ के लिए हमेशा सेड बनाया जाता है, उसमें काउ को रखते हैं. गाय कहाँ पे रहती है? तो शेड में. सो वी हैव टू पुट द राइट थिंग नियर सेड. डब्ल्यू एच आई सी एच विच ए एन आई एम एल एनिमल इज ग्रेन ईटर, जी आर ए आई एन, ग्रेन ई ए टी ई आर, ईटर. ग्रेन ईटर मीन्स जो अनाज के दाने खाता है. तो कौन सा एनिमल है जो ग्रेन ईटर है? लायन. नो, लायन तो सबका फ्लैश खाता है, फ्लैश मतलब मांस. पीजियन, पीजियन इज अ बर्ड जो अनाज के दाने खाता है. तो पीजियन में, पीजियन मतलब कबूतर, उसको हमें राइट टिक करना है. पीजियन इज द ग्रेन ईटर. नेक्स्ट, चैमेलियन, सी एच ए एम ई एल ई ओ एन, चैमेलियन इज अ, चैमेलियन क्या है? वो दूसरे इंसेक्ट को खाता है, वो प्लांट ईटर नहीं है. तो वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है, उसको बोलते हैं इंसेक्ट ईटर. द वर्सेस, बी यू एस सी एस, द सेस स्टॉप, एस टी ओ पी, स्टॉप एट द, बस कहाँ पे खड़ी रहती है? जहाँ पे उसका स्टॉप फिक्स किया गया है. जैसे सिटी बसेस होती है, वो अपने अपने जो पॉइंट्स होते हैं बस स्टॉप के, वहीं पे खड़ी रहती है, बीच में कहीं भी नहीं खड़ी रहती. जहाँ से पैसेंजर चढ़ते हैं और उतरते हैं उसे बस स्टॉप कहा जाता है. तो यहाँ पे हमें राइट टिक करना है, वो
पोस्ट ऑफिस में हम स्टैम्प्स खरीदने और लेटर्स पोस्ट करने और पार्सल्स मनी ऑर्डर सब कुछ लेने और खरीदने जाते हैं। तो बस स्टॉप पे बस खड़ी रहती है, तो बसेस स्टॉप एट द बस स्टॉप। नंबर 9, आई वॉन्ट टू बाय, आई डब्ल्यू एन वॉन्ट टू बाय, बी यू वाई बाय मतलब खरीदना, यहाँ पे बी यू वाई का मतलब होता है खरीदना, और टॉय मतलब खिलौने, हम खिलौने खरीदने कहाँ जाते हैं। आई विल गो टू अ, आई डब्ल्यू आई डबल एल विल जी ओ गो टी ओ टू अ, आई विल गो टू अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जब बीमार पड़ते हैं तब जाते हैं, हॉस्पिटल में हम टॉय खरीदने नहीं जाते, हम कहाँ जाते हैं मार्केट, एम ए आर के टी टी मार्केट, मार्केट वी गो टू बाय डिफरेंट थिंग्स एंड टॉय ऑल्सो वी गो टू बाय द मार्केट। द एनिमल्स ए एन आई एम एल एस एनिमल्स ईट, फ्लैश इज कॉल्ड, ईट मतलब खाना, कौन सा एनिमल फ्लैश ईटर है, जो फ्लैश खाते हैं मीन्स दूसरों का मांस खाते हैं उसको फ्लैश ईटर कहा जाता है, एफ एल ई एस एच फ्लैश ई ए टी ई आर ईटर। ग्रेन ईटर मतलब जो अनाज के दाने खाते हैं उनको ग्रेन ईटर बोलते हैं, तो दूसरे को मांस खाते हैं उसको फ्लैश ईटर बोलते हैं, मांस मतलब फ्लैश होता है, एफ एल ई एस एच फ्लैश ई ए टी ई आर ईटर, फ्लैश ईटर। सो दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विच वी आर टू रिवाइज इन नोट नंबर 8 विच इज रफ नोटबुक, सिंगल लाइन की नोटबुक है, वो रफ नोटबुक है, उसमें आपको ये रिविजन करना है। ओके, गुड बाय।